गाइज, अगर तुम फुकरा इंसान को फॉलो करते हो तो रिसेंटली उन्होंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक डिस्ट्रैक्ट रिलीज किया था, एंड उस डिस्ट्रैक्ट में फुकरा इंसान ने अंडररेटेड यूट्यूबर्स को भी मेंशन किया था, बट उस अंडररेटेड यूट्यूबर्स की लिस्ट में साइमन सेज नहीं थे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि फुकरा इंसान ने साइमन भाई को इंटेंशनली उस लिस्ट से आउट कर दिया, बट साइमन भाई आज के टाइम पे इतना ज्यादा अंडररेटेड हो चुके हैं कि उन्हें अब फुकरा इंसान के सॉन्ग में भी जगह नहीं मिल रही है। जो भी साइमन भाई को फॉलो करते हैं उन सबको पता है कि साइमन भाई 7 साल से यूट्यूब पे पापड़ बेल रहे हैं। उन्होंने प्यूडीपाई के साथ भी कोलैब किया था, बट उनके चैनल पे करंटली हो क्या रहा है? 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कराने के लिए उन्हें बार बार खुद को अंडररेटेड बोलते रहना पड़ता है, एंड साइमन भाई ये सोच के बैठे हैं कि अंडररेटेड का रैंटी रोना करके लोग उन्हें ज्यादा सिंपति देंगे एंड उनकी ऑडियंस 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स उनके चैनल पे कंप्लीट करवा देगी। आर यू लाइक सीरियस? तुम साइमन सेज की इस वीडियो को ही देख लो, ब्रोक माई पिंक शेड्स। इस वीडियो में वो अपने टूटे हुए शेड्स को इलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो भी सेंसिबल बंदा होगा ना उसे वीडियो देखते ही समझ आ जाएगा कि ये टूटे हुए पिंक शेड्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है उन्होंने, ये उनके टूटे हुए चैनल के ऊपर बनी हुई वीडियो है। एंड साइमन भाई ने इस वीडियो में अपनी खुद की ऑडियंस के लिए एक लाइन बोली थी, कुछ पेसिमिस्टिक लोगों को एंटरटेन करने के लिए जबरदस्ती नेगेटिव रिएक्शन दो गया। ये लाइन बोलते ही साइमन सेज ने इनडायरेक्टली खुद को हिपोक्रिट प्रूव कर दिया है। ये जो साइमन भाई 7 साल से अपने चैनल को ग्रो करने के लिए दूसरे यूट्यूबर्स पे नेगेटिव रिएक्शन देके अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे थे, तब वो ऑडियंस पेसिमिस्ट नहीं थी, बट अब उन्हें दूसरे यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज करने एंड उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उनकी खुद की ऑडियंस पेसिमिस्ट हो गई। नहीं, ऐसी लाइंस बोल के साइमन भाई दिखाना क्या चाहते हैं कि मैंने अपनी ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड ले रखा है? अगर साइमन भाई ने अपनी ऑडियंस को पेसिमिस्ट बोल के उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रखा है तो ये अंडररेटेड होने का रैंटी रोना करने की क्या जरूरत है? अगर उन्हें सीरियसली अब दूसरे यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज करके व्यूज लेने में प्रॉब्लम हो रही है एंड अपना कॉन्टेंट उन्हें चेंज करना है तो उसे चेंज करने का एक तरीका होता है। ये नहीं कि पहले तुम दूसरे यूट्यूबर्स को रोस्ट क्रिटिसाइज करके वोक बनो और उसके बाद अपना कंटेंट चेंज करके अपनी खुद की ऑडियंस को पेसिमिस्ट बोलो और उसी ऑडियंस को ये बोलो कि मेरा चेंज्ड कंटेंट जाके देखो, तो ये किस टाइप की बकवास होती है। साइमन सेज ने उस वीडियो में खुद कहा था कि अगर तुम्हें नंबर्स से मतलब है एंड अगर तुम्हें दूसरे लोगों को सेटिस्फाई करना है तब तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। नहीं, साइमन भाई क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? साइमन भाई के जब 500K सब्सक्राइबर्स हुए थे ना, उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा था, आई नो इट्स जस्ट अ नंबर बट थैंक यू फॉर 500K ऑन YouTube। अगर 500K सिर्फ एक नंबर है तो तुम्हारे चैनल पे 1 मिलियन होना भी तो एक नंबर ही है, उसके लिए तुम खुद को अंडररेटेड बोल के रो क्यों रहे हो? नंबर चाहे तेल लेने, जाके कंटेंट बनाओ। साइमन भाई को अपने चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी चाहिए, उसे नंबर भी बोलना है, खुद की ऑडियंस को पेसिमिस्ट भी बोलना है और उसी ऑडियंस को ये बोलना है कि मेरा चेंज्ड कंटेंट जाके देखो। साइमन भाई, आर यू लाइक सीरियस? चैनल पे भाई को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं बट वो अपनी वीडियोस में कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते। उनकी न्यू वीडियो कभी भी आ जाती है, यू नो उनके चैनल पे सब्सक्राइबर्स कब इंक्रीज होते हैं? जब वो दूसरे यूट्यूबर्स को रैंट एंड रोस्ट करते हैं। इस वीडियो मतलब ये पिंक शेड्स वाली वीडियो के आने के बाद उन्होंने एलबी यादव पे वीडियो बनाई थी एंड उस वीडियो के बाद उनके चैनल पे कुछ सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए थे। एंड अगर उन्हें अपने चैनल पे कंटेंट सीरियसली चेंज करना है एंड अपनी ऑडियंस को अपने चैनल पे एक्टिव रखना है, देन यूज द 2-1 फार्मूला। स्टार्टिंग 2 वीडियोस में किसी को भी रोस्ट करो एंड 3rd वीडियो में अपना चेंज कॉन्टेंट डालो, देन अगेन रिपीट दैट थिंग। इस तरीके से जो तुम्हारी प्रीवियस ऑडियंस है, जो तुम्हारी रोस्ट वीडियोस देखना पसंद करती थी, वो ग्रेजुअली तुम्हारा चेंज्ड कंटेंट देखना भी पसंद करेगी। एंड जब तुम्हें लगे कि ये तुम्हारी चेंज्ड कंटेंट वाली ऑडियंस इंक्रीज हो गई है तो दूसरे यूट्यूबर्स को रोस्ट करना बंद कर दो। एंड ये जो अंडररेटेड वाली कंडीशन है ना, ये सिर्फ साइमन भाई की नहीं है, डैंक रिशु की भी है। हमें पता है कि डैंक रिशु का कंटेंट बहुत ज्यादा डैंक है, उसके ह्यूमर पंचलाइंस एंड जोक्स काफी लोगों को समझ नहीं आते। एंड हमें ये भी पता है कि उसका कंटेंट बाकी दूसरे यूट्यूबर्स से काफी ज्यादा डिफरेंट है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके सब्सक्राइबर्स इसलिए इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, बिकॉज इसमें ऑडियंस की गलती है। नाउ डैंक रिशु के चैनल पे अराउंड 300K सब्सक्राइबर होने का बिगेस्ट रीजन है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, उसके कंटेंट चौकीदार वगैरह आने में भी महीनों लग जाते हैं। एंड डैंक रिशु के चैनल के स्लो ग्रोथ का सेकंड रीजन ये है कि रिशु के जोक्स एंड ह्यूमर बहुत ज्यादा डैंक होते हैं एंड काफी लोगों को वो समझ नहीं आते। अगर ऑडियंस उसके कंटेंट के साथ रिलेट नहीं करती, उसके जोक्स एंड ह्यूमर्स ऑडियंस को समझ नहीं आते, तो उसके चैनल को कोई क्यों सब्सक्राइब करेगा, बेशक उसका कंटेंट कितना ही डैंक हो। अगर डैंक रिशु को अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने हैं तो उसके ऑडियंस को भी डैंक होना होगा, एंड इंडियन यूट्यूब ऑडियंस में डैंक ऑडियंस का परसेंटेज काफी कम है। ये नहीं कह रहा हूं कि डैंक रिशु का कंटेंट बेकार है, उसका कंटेंट बहुत ही बढ़िया है, बट उस कंटेंट से रिलेट करने के लिए एक डैंक ऑडियंस भी तो होनी चाहिए। मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि इंडियन यूट्यूब पे मैक्सिमम ऑडियंस तो किड्स एंड टीनेजर्स हैं, एंड इन बच्चों को तुम्हारे डैंक जोक्स एंड ह्यूमर किस एंगल से समझ आएंगे? तो अगर डैंक रिशु को अपने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने हैं तो उसको अपने जोक्स एंड ह्यूमर्स
ऑडियंस को थोड़ा रिलेटेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बनाना होगा, तभी ऑडियंस उसके चैनल को सब्सक्राइब करेगी। एंड अगर डैंक रिशु को सब्सक्राइबर्स से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कंटेंट से मतलब है, देन कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, सब्सक्राइबर्स जाए तेल लेने। बट साइमन भाई के लिए ये वीडियो कोई रोस्ट वीडियो नहीं था, ये उनके लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि अपनी ऑडियंस को पेसिमिस्ट बोल के एंड खुद को अंडररेटेड बोल के रोने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना विच वॉज द बेस्ट पार्ट। एंड अगर तुमने अभी तक डार्क साइड ऑफ रक्षाबंधन नहीं देखा है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और डार्क साइड ऑफ डेली सोप देखना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।